तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां मिसलिन काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, क्योंकि उसे अपने दोस्तों में उस डीमन की परछाई दिख रही थी। ये देखकर हाउचेन अपने लाइट फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। इस टेक्निक के बाद हम देखते हैं कि मिसलिन अब पहले से कुछ शांत हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक लीजिन आगे आकर उसे डांटना शुरू कर देती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि एक मैजिशियन का टीम में होना पहले ही आउटपुट को कम कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम गलत फैसले लेती रही और तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर आकर फंस गए। यहाँ लीजिन इस तरह की बातें कर रही थी जबकि दूसरी तरफ हाउचेन सोच रहा था कि मेरे होते हुए भी मिसलिन को चोट लग गई, आखिर मैं किस तरह का गार्डियन नाइट हूँ। हाउचेन खुद को बुरा भला कह रहा था कि तभी मिसलिन खड़ी होकर कहती है कि जो हो गया सो हो गया, अभी हमें सब कुछ ठीक करना चाहिए। और वो ये कहते साथ ही इन सब से कह रही थी कि अभी हमें वापस उसी फॉर्मेशन के पास जाना होगा ताकि हम लोग टेलीपोर्ट होकर वापस अपने घर जा सके, लेकिन हाउचेन उसकी बात से एग्री नहीं करता बल्कि वो कहता है कि ये सब बहुत ज्यादा अजीब है, वो मॉन्स्टर पहले हमें यहाँ पर अपने पीछे खुद लेकर आए और फिर अचानक वो कहीं गायब हो गए, जैसे कि वो लोग हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कि वो किसी स्ट्रोंगर एनिमी को बुला रहे हैं। ये सुनकर मिसलिन कहती है कि अगर वो एनिमी स्ट्रोंगर है तो हमें यहाँ से पहले ही निकल जाना चाहिए, हमारा यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं। जबकि लीजिन यहाँ पर गुस्सा करती है, वो कहती है पहले तो तुम हमें यहाँ पर लेकर आई और अब तुम हमें भागने को कह रही हो। जबकि वहाँ पर मौजूद चैन ब्रदर्स भी मिसलिन से कहते हैं कि हम आपकी बात मान लेंगे, पहले आप अपने आइस ईगल से चेकआउट कर लो कि वहाँ पर कोई एनिमी तो नहीं। जो सुनकर अब मिसलिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो अपने आइस ईगल का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद आसपास के इलाके का जायजा लेना शुरू कर देती है। यहाँ जायजा लेते हुए पहले तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि शुक्र है कि यहाँ पर आसपास कोई भी एनिमी मौजूद नहीं, लेकिन तभी अचानक एक डीमन बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उस ईगल को बीच में से हाफ कर देता है, जिसकी वजह से मिसलिन को काफी बड़ा शॉक लग गया था, वो तो पूरी तरह से कांपना शुरू हो गई थी। ये देखकर लीजिन उससे सवाल करना शुरू कर देती है, वो उससे पूछती है कि तुम इतनी डर क्यों रही हो, ये बताओ कि वहाँ पर कितने एनिमीज मौजूद है। जिस सवाल पर मिसलिन बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से कांपते हुए कहती है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही डीमन मौजूद है, पर वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं बल्कि वो एक डबल सोर्ड ग्रीन डेविल है, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बाकी के सारे लोग भी काफी ज्यादा शौक हो गए थे। इस लीजिन को तो उसके जवाब पर यकीन ही नहीं आ रहा था, वो उसे पकड़ कर कहती है कि नहीं तुमने गलत देख लिया होगा, वो जरूर कोई नॉर्मल डीमन होगा, भला एक डबल सोर्ड ग्रीन डेविल यहाँ पर कैसे आ सकता है। असल में मिस लीजिन काफी ज्यादा डर गई थी, वो इस बात को मानना ही नहीं चाहती थी कि एक डबल सोर्ड ग्रीन डेविल यहाँ पर आ सकता है। तभी अचानक वहाँ पर मौजूद चैन ब्रदर्स ने भी पैनिक करना शुरू कर दिया था, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर मिसलिन की बात मानकर आना ही नहीं चाहिए था। हाउचेन बिल्कुल ठीक कह रहा था, हमें तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी, जिस पर मिसलिन कहती है कि नहीं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम अभी भी अपनी जान बचाकर उस फॉर्मेशन तक जा सकते हैं, जिस पर मिसलिन कहती है कि अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो हम इस असाइनमेंट को फेल कर देंगे। ये सुनकर अचानक से मिसलिन काफी ज्यादा भड़क गई थी, वो कहती है कि तुम्हारे लिए ये असाइनमेंट जरूरी है या फिर हमारी जान। साथ ही साथ वो यहाँ पर पैनिक करते हुए कहती है कि हम सारे लोग मिलकर भी उस डेविल को रोक नहीं सकते, इसलिए जो लोग मेरे पीछे आना चाहती है वो अभी के अभी मुझे फॉलो करो। और ये कहती है उसने वापस उस फॉर्मेशन की तरफ जाना शुरू कर दिया था, जबकि वो चैन ब्रदर्स भी उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाउचेन अपनी जगह पर बैठकर उन्हें बाहर जाने से मना कर देता है, वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो सुनकर हम देखते हैं कि मिसलिन काफी ज्यादा भड़क गई थी, वो हाउचेन से कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है, जब भी मैं कहती हूँ कि मेरे साथ चलो तो तब तुम कहते हो कि नहीं मुझे नहीं चलना, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो। जो सुनकर हाउचेन जवाब देता है कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन हम सब लोग काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, इसके अलावा उस ग्रीन डेविल की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है, अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए तो वो हमें रास्ते में ही एक एक करके जान से मार डालेगा। ये सुनकर मिसलिन कहती है तो तुम करना क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि हम यहीं पर बैठकर तुम्हारे साथ अपनी मौत का इंतजार करें। जिस पर हाउचेन उसे जवाब देता है नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर बैठकर अपनी पावर्स को रिस्टोर करो, जिस पर लीजिन तो मान गई थी पर मिसलिन का ये बात मानने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो हाउचेन से कहती है कि नहीं तुम बेवकूफ हो, हम 5 लोग मिलकर भी उस डेविल को नहीं हरा सकते, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ से भागने का, शायद हम में से कोई जिंदा बच जाए। और ये कहते हुए मिसलिन ने आगे की तरफ जाना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ चैन ब्रदर्स काफी ज्यादा परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। अभी हाउचेन मिसलिन को वहां पर रोककर कहता है कि मिसलिन मेरी बात जरा गौर से सुनो, मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स है कि मैं उस मास्टर को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, और मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, मैं उस डेविल को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा, जिसके बाद तुम लोगों को मौका मिल जाएगा कि तुम लोग उस पर अटैक करके उसे जान से मार डालो। यहाँ हाउचेन की ये बात सुनकर चैन ब्रदर्स भी सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ हाउचेन बिल्कुल ठीक कह रहा है, लास्ट टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, इसीलिए वो पिछला डीमन सिर्फ हाउचेन पर ही अटैक्स कर रहा था। यहाँ ये बात सोचते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों चैन ब्रदर्स सीधा जाकर हाउचेन के साथ बैठ गई थी ताकि वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सके, जबकि दूसरी तरफ मिसलिन अभी भी यहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। ये देखकर लीजिन उसे डांटना शुरू कर देती है, उसे कहती है कि चुप करो, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो चली जाओ, वैसे भी हम लोग जाते हुए बच नहीं सकते, तुम कितनी अजीब कैप्टन हो, तुम्हारे फैसलों की वजह से हम लोगों की जान जा सकती है। ये बात सुनकर मिसलिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था।
यहाँ पर तो उन्हें असल में रोना आ रहा था, लेकिन तभी हाउचेन उनसे कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक गार्डियन नाइट हूं और मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं उस डीमन को तुम तक नजदीक भी नहीं आने दूंगा। अगर वो तुम्हें मारना चाहता है तो उससे पहले उसे मेरी लाश से गुजरना होगा। जो सुनकर मिस लीन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो सीधा जाकर हाउचेन के साथ बैठकर अपनी एनर्जी रिस्टोर करना शुरू कर देती है। जबकि दूसरी तरफ खड़ी लीजिन हाउचेन से कहती है कि तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो मॉन्स्टर तुम तक पहुंचना चाहेगा तो उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। और ये कहते साथ ही मिस लीजिन ने अपने डीमन बीस्ट को समन कर लिया था, जिसके बाद वो हाउचेन से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर बैठकर अच्छे से कल्टीवेट करो ताकि तुम लोगों की एनर्जी बहाल हो जाए और हम लोग अच्छे से उस डीमन के साथ फाइट कर सके। तब तक मैं बाहर रुककर तुम लोगों पर नजर रखूंगी ताकि वो डीमन तुम लोगों पर स्नीक अटैक ना कर सके। जो सुनकर हाउचेन कहता है ठीक है, लेकिन हाउ यूवी को भी अपने साथ लेकर जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ यूवी लीजिन के साथ बाहर नजर रखने के लिए चला गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।